हेलो लोनस, ये है एक पॉलिटिकल मैप यूरोप का। कई सारी खूबसूरत कंट्रीज आप देख सकते हैं, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ये सारी कंट्रीज हमेशा से ऐसी नहीं थी। पता है, आज यूरोप में दुनिया की कई पावरफुल कंट्रीज हैं, लिटरेट कंट्रीज हैं, वहाँ के लोग अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ये जो दीवानगी है आपको उनके फुटबॉल मैचेस में देखने के लिए मिलेगी। लोग पागलों की तरह सपोर्ट करते हैं अपने देश की टीम को। तो ये जो बिलोंगिंगनेस है, ये जो नेशनलिज्म है, ये कंट्री के लिए जो प्यार ही आया कैसे, तो ये समझने की कोशिश करेंगे आज हम अपने चैप्टर में। हेलो लर्नर्स, मैं हूँ फिरोज खान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म आया कैसे, आज की सिचुएशन से एकदम अपोजिट यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मोनार्की थी, या यूं कहें कि एब्सोल्यूटिस्ट रूल था। मींस अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। मतलब गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, उसके पावर पे कोई कंट्रोल नहीं था, कोई उसको रोक नहीं सकता था। सो हियर इज द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक। वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी थिंग इन वेरी डिटेल। ये जो पहली टर्म आप देख रहे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट। बाकी सब चीज़ों को भी हम लोगों को लर्न करना है डिटेल में, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पेंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बट बिफोर दैट हम लोग बात करेंगे उस आर्टिस्ट की जिसने इस पेंटिंग को ड्रॉ किया है, बनाया है। सो दिस इज द सेकंड थिंग्स टू रिमेंबर। फ्रेंड्स, याद रखिए, सीबीएसई में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इन्हें बहुत अच्छे से हमें समझना है। अब बात करते हैं फ्रेडरिक सोरोयू की। फ्रेडरिक सोरोयू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक सीरीज तैयार की थी पेंटिंग की, जिसमें टोटल 4 प्रिंट्स थी, और इन पेंटिंग के थ्रू उन्होंने अपना एक ड्रीम विजुअलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने एक ड्रीम देखा था एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसी दुनिया का, जहाँ पे फ्रेटर्निटी हो, डेमोक्रेसी हो और सब लोग एक साथ रह रहे हों। तो चलिए इनकी एक प्रिंट को देखते हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग को हम 5 बहुत ही ईजी पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। And first of all, we'll talk about these people. These people belongs to Europe and America and different countries. अच्छा, different countries identify हो रही है through their flags. यहाँ पे French flag है, Germany flag है और कई सारे flags आप देख सकते हैं. They all are marching in one direction. ठीक है, अब second point में हम लोग देखेंगे, there is no discrimination. People from all culture, all age group, even men, women, children, they all are together. तो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस पेंटिंग में। इन थर्ड पॉइंट विल टॉक अबाउट दिस स्टैच्यू। दिस इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये एक पर्सोनिफिकेशन है फ्रीडम का, और पीपल भी अपना होमेज, ऑनर, रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस स्टैच्यू को। इसका मतलब ये एक तरह की फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके एक हाथ में है मशाल, द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में है द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अच्छा, ये केवल एक सिंबल है। फ्रेंड्स, याद है आपको कुछ सिंबल्स हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन कौन से सिंबल्स याद हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए ग्राउंड पे देखिए। नहीं, ये कचरा नहीं है, ये पीसेस है मोनार्की के। यहाँ पर आपको क्राउन दिखेगा, पीसेस ऑफ थ्रोन दिखेंगे। बहुत ईजी वे में बोलूँ तो लोगों ने मोनार्की को कचरे में मिला दिया है और सब लोग अपनी अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब फिफ्थ पॉइंट में देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे आर्टिस्ट ने थोड़ा सा इसे ड्रामेटिक कर दिया है। जीसस क्राइस्ट और बाकी जो गॉड गॉडेस हैं, दे ऑल आर ब्लेसिंग टू दिस पीपल। ठीक है, ऊपर लिखा है फ्रेटर्निटी। अब इस पेंटिंग को देख के आप बोलेंगे, सर फ्रेटर्निटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, नेशनलिज्म, ये सब कैसे पॉसिबल है? तो ये एक तरह का विजन है। यहाँ पे ये आपकी तीसरी टर्म है जो आपको लर्न करनी है, ये है यूटोपियन विजन। इसका मतलब है एक ऐसा विजन सोसाइटी का That is so ideal, that is unlikely to actually exist. एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी आइडियल है कि वो एक्चुअल में हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक तीसरी टर्म आपको लर्न करनी है। देखिए, नेशनलिज्म का मीनिंग होता है आइडेंटिफिकेशन विथ वंस ओन नेशन, आपकी खुद की कंट्री के लिए जो बॉन्ड आप फील करते हैं, और ये जो बॉन्ड है, ये जो रिलेशन है, आप मोनार्की में फील नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको कभी फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है, लेकिन नेशनलिज्म में आप समझते हैं कि ये खुद आपकी कंट्री है। ठीक है, अब और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? मान लीजिए किसी कंट्री में नेशनलिज्म आ गया, तो दो तरह के चेंजेस सबसे पहले आएंगे। पहला चेंज होगा लोगों के माइंडसेट में।
और दूसरा चेंज होगा वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में। सोरोयू की प्रिंट याद है, मोनार्की कचरे में चली जाएगी, ठीक है। और फिर ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टीज़ हैं, ये जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा और एक नेशन स्टेट इमर्ज्ड होगा। नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के पहले, इस आइडिया के पहले मॉडर्न स्टेट का आइडिया था। इसका मतलब ये था कि एक सेंट्रल पावर रहेगा एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर, एक क्लियर टेरिटरी के अंदर, जो उसे कंट्रोल करेगा। लेकिन नेशन स्टेट का मतलब होता है एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए लोगों में। जैसे अभी फ्रांस में है, दे हैव द कॉमन आइडेंटिटी ऑफ द लैंग्वेज। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज है जो एक कॉमन आइडेंटिटी है, जो सबको एक साथ रखती है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पर वी हैव अ सेम हिस्ट्री, सेम हिस्ट्री है जो हम सबको एक साथ रखती है, ठीक है। तो कोई ना कोई सेम चीज़, कोई ना कोई कॉमन आइडेंटिटी ही नेशन स्टेट को बनाती है। तो दोस्तों ये तो था इंट्रोडक्शन, और बाकी के चैप्टर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे यूरोप ने मोनार्की से नेशन स्टेट तक का सफ़र कैसे तय किया और नेशनलिज्म का इसमें क्या रोल था, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।